चल मान लिया तू हिंदू है, चल मान लिया तू हिंदू है और तू है मुसलमान। चल मान लिया तू हिंदू है और तू है मुसलमान। इससे पहले ये तो जान, इससे पहले ये तो जान, तू ही है मादरे हिंद की संतान। अगली शेर पर गौर कीजिएगा। इबादत करूं मैं अल्लाह की, इबादत करूं मैं अल्लाह की या पूजा करूं मैं राम की। इबादत करूं मैं अल्लाह की या पूजा करूं मैं राम की। खुदा तो सारे एक ही हैं, खुदा तो सारे एक ही हैं, इसलिए जात मानूं मैं इंसान की। कविता शुरू करता हूँ। देखिए मेरा मानना है जितना भी प्रॉब्लम है ना, सबका जहर युवा पीढ़ी है, तो मैं ज़्यादातर युवा पीढ़ी के लिए लिखता हूँ और खुद के लिए भी लिखता हूँ। गौर फरमाइएगा। उनकी सियासी चाल में अक्सर तुम फंसते हो, उनकी सियासी चाल में अक्सर तुम फंसते हो, जात धर्म के नाम पे यूं ही तुम लड़ते हो। माना एक माँ के लाल हो, माना एक माँ के लाल हो, मोहब्बत तो होगी ही, पर ऐसी ही क्या मोहब्बत, पर ऐसी ही क्या मोहब्बत जो आपस में तुम लड़ते हो। हाथ में ले नंगी तलवार, हाथ में ले नंगी तलवार, धर्म के रक्षक तुम बनते हो। हाथ में ले नंगी तलवार, धर्म के रक्षक तुम बनते हो, पर उसी धर्म की आर में, उसी धर्म की आर में बेटियों की दामन से तुम खेलते हो। धर्म के रक्षक बन, धर्म के रक्षक बन, ऐसा कर्म जो करते हो। धर्म के रक्षक बन, ऐसा कर्म जो करते हो, किसी का घर तुम जलाते, किसी का घर तुम जलाते, तो किसी के घर अपने हवस की आग तुम बुझाते हो। कौन तुम्हें बताएगा हर दंगा सियासी है, कौन तुम्हें बताएगा हर दंगा सियासी है, हर दंगे की आर में हर सरकार बनाई है। मुसलमानों की रक्त से अब भी गंगा लाल है, मुसलमानों की रक्त से अब भी गंगा लाल है, पंडितों की चीख से गूंज रहा कश्मीर है। देश चलाने वाले सारे विध्वंसक किरदार में हैं, देश चलाने वाले सारे विध्वंसक किरदार में हैं, इंसानियत के कातिल भैया दिल्ली की दरबार में हैं। आगे से पर गौर फरमाइएगा। मंदिर की दीवारें और मस्जिद की गुंबदें लहूलुहान न होती, मंदिर की दीवारें और मस्जिद की गुंबदें लहूलुहान न होती, अगर इस देश के युवा, अगर इस देश के युवा सियासत के घर मजहब के नाम नीलाम न होते। धन्यवाद।